आयोजन किया गया जिसमें विजेता पहलवानों को इनाम दिया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल की शुरुआत छोटी कुश्तियों से आरंभ हुई, वहीं लड़कियों के मध्य हुए रोमांचक कुश्ती ने सभी को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। आखिरी में चार कुश्ती गब्बर पहलवान व गौरव के बीच हुई जिसमें 31,000 की कुश्ती गब्बर ने जीती, जिसके बाद राजस्थान केसरी व विक्रम पहलवान के मध्य बराबरी पर छूटी। रवि पहलवान नीमगांव और हरियाणा केसरी राहुल के मध्य हुई, वहीं चंदू पहलवान गोवर्धन व राजाराम पहलवान डीक के मध्य हुई। सभी पहलवानों ने अपने अपने दमखम का नजारा प्रस्तुत किया। दंगल में महेश किंग, गोपी ठाकुर, जयदेव प्रधान, पल्सो जमुना पंडित जी ने जीते हुए पहलवानों को इनाम दिया, तो आज की दंगल में रेफरी की भूमिका निरंजन ठाकुर, दिनेश पहलवान, दीनदयाल शर्मा ने की। इस मौके पर पवन पहलवान, नारायण पहलवान, रवि पहलवान, आदित्य पहलवान, गुड्डू पहलवान, काका ठाकुर, बांकी शर्मा, भोला कोमल पहलवान, भगवान सिंह आदि कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम बाकी हरी शर्मा। जैसा कि पहलवान साहब, आज यहाँ पे गोवर्धन में कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया है, और कितने वर्षों से आप इसको कराते चले आ रहे हैं और क्या रहा है इसमें? आज ये हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और इसको हम ये 7-8 बार मतलब दंगल करा चुके हैं, और इसमें हमारे आसपास के सभी लोगों का सहयोग रहता है, सभी पहलवान भाइयों का सहयोग रहता है, और यहाँ गोवर्धन के वासियों का आसपास जैसे गांव है, नीम गांव, भरमपुरा है, सब लोगों का इसमें सहयोग रहता है। कहाँ कहाँ के पहलवान इसमें भाग लेते हैं? यहाँ पे हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के जिले जैसे आगरा से आए हैं, मथुरा से आए हैं, भरतपुर से आए हैं, तो यहाँ पे सब लोग। आज यहाँ पे कुश्ती दंगल हुआ है, इसमें लगभग कितनी कुश्ती हुई और कितने कितने रुपए की कुश्ती? आज जो दंगल हुआ है इसमें कम से कम 3 दर्जन कुश्तियाँ हुई हैं, जिसमें आखिरी कुश्ती 61,000 रुपये की हुई है, और 4 कुश्तियाँ 41,000 रुपये की हुई हैं, 2 कुश्ती 21,000 रुपये की हुई हैं, और 4 के करीब कुश्ती 11,000 रुपये की हुई है, और काफ़ी कुश्ती 5100, 3100, 4100, 2100 ऐसी कुश्ती हुई। इस कुश्ती दंगल का मकसद क्या है, क्यों इसे आप कराते हैं? इस कुश्ती दंगल का मेन मकसद यह है कि हमारे युवाओं में एक जागरूकता आए पहलवानी की, जो कि हमारे पुरखों की एक प्राचीन परंपरा रही है, मल्ल विद्या रही है, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और लोग जागरूक हैं और आगे आगे निकल सकें। मथुरा की महा